चलिए बच्चों, यहाँ पर इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं मेष राशि के बारे में, या जिनका भी एरीज जोडियक है, या जिनका भी नाम ए या एल अक्षर से शुरू होता है, उनके लिए 2024 का लकी कैलेंडर कैसा दिखाई देता है, यानी कौन से दिन कौन से क्षेत्र में सफलता मिलेगी, ये जानकारी आपको पहले ही मैं आज देने वाला हूं। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बिजनेस और जॉब की, यानी कि करियर की। तो आप में से जो कोई भी व्यक्ति यहां पर 2024 में नौकरी की तलाश कर रहा है, या फिर आप नौकरी चेंज करने का सोच रहे हैं, या फिर प्रमोशंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मन चाहे स्थान पर ट्रांसफर चाहते हैं, या अपना व्यापार करते हैं और उसका विस्तार करना चाहते हैं, नई ब्रांचेस खोलना चाहते हैं, कोई नई स्ट्रेटेजी है उसको अपनाना चाहते हैं, कोई नई प्रोडक्ट लाइन खोलना चाहते हैं, या कोई भी बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट काम आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए 2024 का मेष राशि का लकी कैलेंडर आज जैसे वीडियो में मैं रिलीज करने वाला हूं, उसका पालन जरूर करें। आपको निश्चित रूप से 75-80% सफलता तो सिर्फ इस कैलेंडर को फॉलो करने से ही मिल जाएगी, और बाकी आपको सफलता के चांसेस को 95% तक ले जाने वाले उपाय भी मैं इस वीडियो में बोनस के तौर पर आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो का एक एक क्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पूर्व ये बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में ज्योतिष से संबंधित कुछ टेक्निकल डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। भाई तभी तो आपको विश्वास होगा कि मैं हवाई फायर तो नहीं कर रहा हूं, ये सब बातें शोध करके, रिसर्च करके, गहन अध्ययन करके ही हमें पता लगी है, और वही बातें मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं, जिसके आधार पर जो पहले कभी नहीं हुआ वो लकी कैलेंडर मैं आज आपके सामने लेकर आया। तो ध्यान से एक एक शब्द को मेरे इस वीडियो को जरूर सुनेगा। इसके साथ साथ एक बहुत जरूरी सूचना देना चाहता हूं कि देखिए, अभी तो इस वीडियो में बिजनेस एंड जॉब की बात करूंगा, परंतु आगे इसी वीडियो सीरीज में मैं बात करूंगा कौन से दिन प्रॉपर्टी लेना आपको सबसे ज्यादा सक्सेस दिलाएगा, कौन से दिन भाई आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं इसके साथ ये बताऊंगा कि शादी के लिए, चाइल्ड प्लानिंग के लिए कौन से दिन सबसे सर्वश्रेष्ठ है। मैं आपको बताऊंगा कौन से दिन यात्रा करना आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं ये बताऊंगा कि कब पीआर के लिए अप्लाई करें, चांसेस आपके बढ़ जाएंगे और आप मनवांछित कंट्री में रह पाएंगे। तो ये लकी कैलेंडर एक एक करके हर एक क्षेत्र का रिलीज होने वाला है। मैं ये भी बताऊंगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इस साल जो भी देने वाले हैं, या जो भी लोग, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, तो 2024 में जो भी, चाहे वो आम चुनाव में हो, चाहे वो स्टेट्स के चुनाव हो, ग्राम चुनाव हो, एमसीडी के चुनाव हो, कोई सा भी चुनाव क्यों ना हो, उसकी लकी डेट्स कौन सी है आपकी राशि के अनुसार, सब कुछ मैं इस वीडियो श्रृंखला में रिलीज करूंगा। तो ये वीडियो न केवल आपके काम का है, बल्कि आपके पापा, आपके मम्मी, आपके दोस्तों, भाइयों, मित्रों सबके काम का है। उन सबके साथ इस वीडियो सीरीज को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि उनका भाग्य ये वीडियो सीरीज देखकर बदल सकता है। इस वीडियो सीरीज को आप मिस ना करें, इसके लिए अभी सब्सक्राइब का बटन जो आ रहा है उसको दबा दीजिएगा। साथ साथ मैंने इस वीडियो से पूर्व ही आपको अनाउंस किया कि कुछ लकी लोगों को, कितने 10 लोगों को मैं उनका पर्सनलाइज्ड लकी कैलेंडर तैयार करके दूंगा, साथ साथ उनको एक साल का वार्षिक राशिफल दूंगा, साथ साथ उनके लिए एक विशेष नवग्रह यज्ञ का आयोजन करूंगा, और ये हर एक वीडियो के लिए होगा। और इसका क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको एक कमेंट इस वीडियो के नीचे डालना है, और उस कमेंट पे, जिसके भी कमेंट, जिन 10 लोगों के कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे या सबसे ज्यादा रिप्लाईज होंगे, उन 10 लकी लोगों को जनवरी के अंत में उनका लकी कैलेंडर पर्सनलाइज्ड, ध्यान रखिएगा, पर्सनलाइज्ड लकी कैलेंडर प्लस एक साल का राशिफल प्लस उनके लिए एक विशेष पूजा का आयोजन मैं खुद करके दूंगा। जनवरी के अंत में इसके रिजल्ट्स अनाउंस होंगे, तब तक आपके पास बहुत समय है, अपने आपके कमेंट्स नहीं रुकने चाहिए, दोस्तों, रिश्तेदारों, मित्रों सबके फोन से कमेंट करते रहिएगा। चलिए
यहाँ पर एक बार भूमिका मानना चाहता हूँ इस वीडियो की कि भाई वीडियो में क्या क्या बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको लकी ग्रह बताऊंगा, इसके बाद मैं ये बताऊंगा कि कौन सा दिन लकी है आपके लिए, कौन से दिन आपको करियर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहिए, इंटरव्यूज के लिए अपीयर होना चाहिए, या फिर बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए इंपॉर्टेंट कदम उठाने चाहिए, और उसके बाद ताकि आपके चांसेस और प्रबल हो जाए, 75% से लेकर 95% तक पहुंच जाए, इसके लिए बोनस टिप्स मेरी तरफ से कुछ मुफ्त उपाय आपको इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूं। एक एक शब्द मेरा ध्यान से जरूर सुनिएगा। जिन लोगों को टेक्निकल डिटेल्स नहीं चाहिए वो सीधे टाइम स्टैम्प्स में, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, कमेंट्स में भी दिया है, उसमें से देखकर डायरेक्टली लकी कैलेंडर और उपाय देख सकते हैं। पर आप में से मैं जानता हूं ज्यादातर लोग टेक्निकल डिटेल्स में इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि इसी से आपका विश्वास और अधिक बढ़ेगा। तो आइए बिना विलंब के साथ उन टेक्निकल डिटेल्स की अब यहां पर चर्चा करते हैं। तो आइए चर्चा कर रहे हैं मेष राशि के बारे में, मैं बात कर रहा था। तो देखिए हमारे जो पराशर ऋषि हैं, जिन्होंने ये ज्योतिष के अनमोल सूत्र हमें दिए हैं, उन्होंने हमें एक कंसेप्ट दिया है ज्योतिष का, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है भवात भवम, यानी कि हाउस फ्रॉम हाउस। इसी कंसेप्ट को यूज करके मैंने आपके लिए ये लकी कैलेंडर तैयार किया है, और इसी की जो डिटेल्स है वो मैं अब आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। तो देखिए मेष राशि के स्वामी कौन है, मंगल देवता, इनको मैंने यहाँ पिंक कलर के मैग्नेट से डिनोट किया है। इसके बाद मेष राशि के लिए करियर का भाव कौन सा होता है, 10th हाउस। ये 10th हाउस जो होता है वो करियर की दृष्टि से हमारी कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट भाव है, ठीक है। और इस 10th हाउस को मैं यहां पे बनाऊंगा मकर राशि। इस मकर राशि 10th मेष से जो 10वीं राशि है वो मकर राशि है, उसके स्वामी शनि है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इसलिए जब करियर की बात करूंगा तो करियर को सेंटर में लेके आऊंगा। तो इसलिए मैंने यहां पर एक दूसरी कुंडली बनाई है। ये कुंडली कैसे बनी है यहां से देख लीजिएगा, ये बन गई। तो ये जो 10th हाउस है, इसको जब मैंने यहां पहले हाउस में लिख दिया है, तो इससे ये आपकी करियर की कुंडली बन गई, करियर कुंडली। अब इस करियर कुंडली में ये 9th हाउस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो त्रिकोण भाव होते हैं वो केंद्र के असेंडेंट भाव को सपोर्ट करते हैं, और नॉर्मल कुंडली में भी इसको हम भाग्य भाव बोलते हैं। जो नवम भाव है वो हमारा भाग्य भाव है, तो करियर की कुंडली में जो नवम भाव बना वो बनेगा कन्या। और इस कन्या राशि के स्वामी कौन है, बुध ग्रह। तो इससे हमें पता लगा कि मेष राशि के जातकों के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट 3 ग्रह हैं करियर की दृष्टि से, वो है मंगल, शनि और बुध। इन 3 ग्रहों को नोट कर लीजिए। इनका जैसा भी प्लेसमेंट होगा, जैसा भी मूवमेंट होगा, वही निर्धारित करेगा कि कौन सा दिन आपके लिए लकी है और कौन सा दिन लकी नहीं है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। जब कभी इन ग्रहों से राजयोग बनेगा वही दिन आपके लिए लकी है, और जिस दिन ये ग्रह दुस्थान भाव में होंगे, नीच राशियों में होंगे, जिस भी दिन ये शत्रुओं की राशि में होंगे, उस दिन आपको कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। तो अब राजयोग कैसे बनता है इसको समझने के लिए 2 मैग्नेट्स मैं आपके लिए लेके आया हूं। एक हमारी भाई ब्लू रंग की है जो शनि दिखा रही है, एक और जो है वो हरे रंग की है, ये बुध ग्रह का प्रतीक है। अब राजयोग कब बनता है इस बात को जरा ध्यान से नोट कर लीजिए। मैं ग्रीन कलर से टिक करूंगा। जब जब इन ग्रहों का प्लेसमेंट इन भावों में हो जाएगा, 1, 4, 5, 7, 10, 9, तब तब आपकी कुंडली में इन ग्रहों के कारण राजयोग बनेगा। ये करियर कुंडली की बात कर रहा हूं। और जब जब ये दुस्थान भाव में होंगे, कौन से हैं ये दुस्थान भाव, 3, 6, 8, 12, इसमें इनको हम लोग दुस्थान भाव कहते हैं, 6, 8 और 12 को, और ये भी हमारे जो है शत्रु भाव ही होते हैं,
तीन और ग्यारह। तो ये जो भाव हैं, अगर इनके अंदर ग्रहों का प्लेसमेंट होगा तो फिर आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अब जब कभी ग्रह का जो प्लेसमेंट है अपनी उच्च राशि में होगा उससे आपको बल मिलेगा, अपनी ही राशि में होगा तब आपको बल मिलेगा, जब जब ग्रह वक्री हो जाएगा तब तब आपको उसका नुकसान होगा, क्योंकि कोई भी राजयोग उस समय पर नहीं लगता है। राजयोग कब बनेगा? जब ये दोनों बुध शनि यहां साथ में विराजमान है, या फिर यहां आ जाए, इनका प्लेसमेंट कैसा भी हो आपके लिए ये राजयोग बन जाता है। कब कब आपका नुकसान होगा? जब ये यहां है या यहां है, या फिर भाई ये यहां आ गए, ये यहां आ गए, ये भाव इनको रुकावट बनते हैं, करियर की दृष्टि से नुकसान आपको हासिल करना पड़ता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये गणना कैसे निकाली गई है। इन दोनों ग्रहों का प्लेसमेंट निर्धारित करेगा कि कब कब आपकी करियर कुंडली में राजयोग बने, और जब जब राजयोग बनेगा तब तक आपको फायदा होगा। अब तीसरा ग्रह मंगल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मंगल ग्रह जब इन दोनों ग्रहों का मित्र होगा, तत्काल मित्र बोलते हैं हम इसको, टेम्पररी फ्रेंडशिप, तब तब आपको फायदा होगा। टेम्पररी फ्रेंडशिप कब बनती है? जब किसी भी ग्रह के रेफरेंस से, ये बातें यहां पे थोड़ी टेक्निकल हो रही है, अगर नहीं समझ में आ रही हो कोई समस्या नहीं है, बस सुनते चलिए, अभी सिर्फ सुनते चलिए। अगर नहीं समझ में आ रही दोबारा एक बार देखिए, तिबारा देखिए, और वैसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी भी नहीं है, बस ये ध्यान देना है कि कौन से तीन ग्रह इंपॉर्टेंट है। तो ये मंगल जब कभी इन ग्रहों के रेफरेंस से इनसे तीन घर आगे होंगे या तीन घर पीछे होंगे, तब तब ये इनके फ्रेंड बन जाते हैं। तो इससे टेम्पररी फ्रेंडशिप डिफाइन होती है। तो इस समय पे मंगल इन दोनों ग्रहों के टेम्पररी फ्रेंड है, और इससे भी आपको फायदा मिलता है। तो ये वो टेक्निकल डिटेल थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। यहां पर हमारी जो पहली चर्चा है और जो दूसरी चर्चा है कि कौन से ग्रह लकी है, वो खत्म हो गई है। दूसरा मैंने आपको बताया कि कब कौन सा दिन लकी है, कैसे मैंने पता लगाया, वो भी आपको आशा करता हूं समझ आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे आपके सामने 2024 का लकी कैलेंडर जो है वो रिलीज कर रहा हूं, जिसका सबसे ज्यादा इंतजार आप लोगों को अब तक था। हिम्मत करो, अब वीडियो का वो पोर्शन आ गया है जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार था, यानी आखिर ये लकी कैलेंडर दिखता कैसा है। तो देखिए, स्क्रीन पर अब आपके सामने मैं एक चार्ट प्रस्तुत कर रहा हूं जो बताएगा मेष राशि के लिए हर महीने का हाल, यानी कि कौन सा महीना लकी है, कौन सा महीना अभाग्यशाली साबित होगा। तो देखिए, एक एक्सिस पर लिखा हुआ है जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सभी महीनों का नाम, दूसरी एक्सिस पर एक से पांच तक का स्कोर, और जैसा मैंने पहले बताया पांच सबसे लकी, एक अभाग्यशाली। तो जनवरी से लेकर जून तक के जो सभी महीने हैं वो मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ज्यादा विशेष, खास, भाग्यशाली साबित होने वाले हैं। इस दौरान निश्चित रूप से मन चाही सफलता करियर के क्षेत्र में आपको प्राप्त होगी। इसमें भी विशेष तौर पर फरवरी और मई के दो महीने ऐसे हैं जो निश्चित रूप से आपके भाग्य को और भी ज्यादा बढ़ा देंगे। परंतु अगर मैं साल के बाकी छह महीनों की बात करूं तो वो महीने आपके लिए इतने भाग्यशाली नहीं है। उन सभी महीनों को दो या एक का अंक मैंने दिया है, स्कोर दिया है। इसमें भी सितंबर और अक्टूबर 2024 ऐसे महीने हैं जिनमें जो ग्रह मैंने आपको बताया, जो आपको सपोर्ट करने वाले हैं करियर के जो ग्रह हैं, वो सभी विपरीत अवस्थाओं में विराजमान हैं। इस वजह से ये महीने आपके लिए अत्यधिक अभाग्यशाली साबित होंगे। अब आप कहेंगे, स्वामी जी आपने 367 दिनों की बात की थी, पर अभी आपने मात्र 12 महीनों का एक सरसरी नजर में हमें बताया है कि लकी कौन सा महीना अनलकी साबित होगा। तो भक्तगणों, अभी मैं आपके सामने जनवरी 2024 का लकी कैलेंडर प्रस्तुत कर रहा हूं। तो देखिए, जनवरी की ये जो तारीखें हैं उनको पहले नोट कर लीजिए, कौन सी तारीख भाग्यशाली है, कौन सी अभाग्यशाली है। तो 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 19, 21, 24, 25, 30 और 31, ये सभी वो तारीखें हैं जो कि मेष राशि के लिए जनवरी 2024 में भाग्यशाली साबित होंगी। इसी प्रकार अगर मैं अनलकी तारीखों की बात करूं तो वो तारीखें हैं 1, 2, 6, 8, 10,
17, 27, 28, 29। तो अगर जनवरी 2024 में अगर कोई इंपॉर्टेंट काम करना है तो उसके लिए लकी डेट्स का इस्तेमाल करें। जो अनलकी डेट्स हैं उन दिनों पर इंटरव्यू देने से बचें, नए बिजनेस को खोलने से बचें, बिजनेस का प्रचार करने से बचें, नए कस्टमर से मिलने से बचें, क्योंकि सफलता मिलने के चांसेस इन दिनों में कम होंगे। लकी डेट्स का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे भाग्य का उतना साथ आपको मिलेगा और निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों में होगी। इसी प्रकार जैसे मैंने जनवरी 2024 का कैलेंडर आपको दिखाया, बाकी सभी महीनों का कैलेंडर भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, परंतु वो हमारी साइट पर उपलब्ध है। इस वीडियो में बात करना हर एक महीने के बारे में संभव नहीं होगा, क्योंकि ये आपके काम की बात भी नहीं होगी। अभी इस समय पर जनवरी 2024 का जो कैलेंडर है उसको आप देख लीजिए, और बाकी सभी महीनों का जो कैलेंडर है वो हमारी साइट पर आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा है, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में भी आपकी सुविधा के लिए दिया गया है। इस लिंक को ध्यान से सेव कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में चलकर अगर आपको कभी भी कोई निर्णय लेना है तो आप सही लकी डेट्स का चुनाव कर सके। तो हमारी वेबसाइट को विजिट करके निश्चित रूप से इस लकी कैलेंडर का जितना ज्यादा लाभ आप उठाएंगे उतना आपके भाग्य को चार चांद लगेंगे, और निश्चित रूप से करियर की दृष्टि से आप कहेंगे कि साल 2024 में आपका टाइम आ गया है। चलिए बक्कड़ों, अब तक आप ये समझ गए हैं कि भाई 75% तो भाग्य का साथ ऐसे ही मेरा जो लकी कैलेंडर है उसको फॉलो करके आपको मिल जाएगा। पर अब अपने चांसेस को आपको सिर्फ 75% पे थोड़ी ना रोकना है, आप चाहते हो उसे 95% तक बढ़ाना। उसका जो प्रोसेस है वो मैं अब आपको बता रहा हूं। तो 75% लकी कैलेंडर फॉलो करके भाग्य का साथ मिलेगा। अब 85% पे ले जाने के लिए क्या जरूरत है? जरूरत है पर्सनलाइज्ड लकी कैलेंडर की। यहीं पे मैं बात करना चाहूंगा कि भाई सबका, हर किसी का जो लकी कैलेंडर है वो दूसरे से थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ये मैंने आपकी राशि के हिसाब से तो बता दिया, परंतु आपका जो वार्षिक राशिफल है उसमें जो राशि बनी उसके अनुसार यदि आप इस लकी कैलेंडर का पालन करेंगे तो वो आपके लिए और भी ज्यादा लाभदायक हो जाएगा। उस लकी कैलेंडर को मैं आपकी राशि के कैलेंडर के साथ ओवरलैप करूंगा, उनको मिला दूंगा, और उसके आधार पर आपका एक नया तीसरा ही कैलेंडर तैयार होगा। वो कैलेंडर आपके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी साबित होगा, और वो कैलेंडर मुझे आपके लिए विशेष रूप से बनाना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे आपकी बर्थ डिटेल्स की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ अगर बर्थ डिटेल नहीं है तो फिर आपका चेहरा देखकर ये लकी कैलेंडर आपके लिए तैयार किया जाएगा। साथ साथ अगर ये लकी कैलेंडर आप मेरे से प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर मुझसे संपर्क करना पड़ेगा, और इस लकी कैलेंडर के साथ आपको विशेष रूप से मैं एक साल का राशिफल भी तैयार करके दूंगा। ये रिटर्न फॉर्म में होगा, यानी लिखित होगा। आप चाहें तो इसकी हार्ड कॉपी मंगा सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी में आपके मोबाइल पर ही पहुंच जाएगा, चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। साथ साथ मैं हमारे शनिपीठ मंदिर में आयोजित होने वाले मासिक नवग्रह यज्ञ में आपके नाम से आहुतियां दूंगा। तो इस लकी कैलेंडर अकेला नहीं मिलेगा, तीन तीन फायदे इसके साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो लकी कैलेंडर खुद जो आपको लकी बना दे, दूसरा आपका वार्षिक राशिफल जिसे आप पढ़ सकते हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि पूरा साल आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि वो पर्सनलाइज्ड होगा, और तीसरा कि भाई ये नवग्रह देवता, इनके लिए आहुतियां जब हम देंगे तो निश्चित रूप से आपके ग्रह आपसे प्रसन्न होकर आपको शुभ फल जरूर प्रदान करेंगे। तो इस लकी कैलेंडर को यदि आप मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं पर्सनलाइज कैलेंडर को, तो आपको हमारे शनिपीठ मंदिर के बैंक अकाउंट में कुछ चार्जेस जमा कराने पड़ेंगे। चार्जेस कितने हैं? 1001 रुपया। 1001 रुपये में आपको ये तीनों फायदे मिल जाएंगे। ये पर्सनलाइज कैलेंडर आपको आपके घर पर मिल जाएगा, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मुझे चार्जेस आपसे लेने पड़ रहे हैं, ये मैं जरूर मान सकता हूं, परंतु क्योंकि ये पर्सनलाइज है तो भाई पर्सनलाइज में मुझे यहाँ पर कुछ रिसोर्सेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके कारण ये खर्चा हो रहा है, और वो तो कहीं ना कहीं से आएगा, तो इसी के लिए ये चार्जेस आपसे लिए जा रहे हैं। आशा करता हूं ये लकी कैलेंडर मंगवा कर आप निश्चित रूप से इसका पूर्ण फायदा उठाएंगे, और इस 2024 में आपका टाइम जरूर आएगा।
बात हो गई 75 से 85 हम पहुंच गए हैं, अब हमें कहां जाना है, 85 से 95 के जर्नी कवर करनी। कैसे कवर होगी, इसके लिए हमें कुछ उपाय करने की आवश्यकता है। वो उपाय मैं आपको अब बता रहा हूं, ये उपाय बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। एक एक शब्द मैंने जैसा कहा था इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मंगल देवता का उपाय करें। क्या उपाय करेंगे, इसके लिए आप हर मंगलवार, कितने मंगलवार, 9 मंगलवार तक आप छोटे बच्चे, कितने, 9 छोटे बच्चे जिनकी उम्र 8 से 10 साल हो, ऐसे लड़कों को मीठा प्रसाद यदि खिलाते हैं 9 मंगलवार को, 9 छोटे लड़कों को जिनकी उम्र 8 से 10 वर्ष के बीच में है, उनको आप मीठा प्रसाद खिलाते हैं, तो निश्चित रूप से ये मान के चलेगा मंगल देवता जरूर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मन चाही सक्सेस देंगे। अभी एक ही ग्रह हमने कवर किया, दूसरे ग्रह का उपाय करना भी जरूरी है। वो कौन से, शनि। शनि ग्रह का उपाय बता रहा हूं, ध्यान से नोट कीजिएगा। आपको 8 शनिवार तक शनि मंदिर जाकर शनि देव जी के सामने तेल का, सरसों के तेल का दिया जलाना है, उनको सरसों का तेल अर्पित करना है, काले तिल, इसके साथ साथ लोहे की कुछ कीलें, काले कपड़े, ये सब आप उन्हें समर्पित करें, इससे शनि देव प्रसन्न हो जाएंगे। कितने शनिवार, 8 शनिवार आपको ये उपाय करना है। तीसरा बुध ग्रह के लिए उपाय करना है। क्या उपाय करेंगे, ध्यान से नोट कीजिएगा। आपको तोते के लिए, तोता यानी कि पैरट, पैरट के लिए दाने पानी का इंतजाम करना है। यदि आप बुधवार को उनके लिए, पैरट्स के लिए दाने पानी का इंतजाम करते हैं, तो इससे आपके बुध ग्रह प्रसन्न होंगे। और ये कब तक करना है, 5 बुधवार। तो 5 बुधवार ये, 8 शनिवार ये और 9 मंगलवार ये उपाय करके निश्चित रूप से 85% से 95% तक आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, भाई हमको समय नहीं मिलता, हमारा स्केड्यूल इतना बिजी है जिस कारण हम पूजा पाठ में, दान पुण्य में इतना सहयोग नहीं कर पाते हैं, या अभी हमारी क्षमता नहीं है। तो उनको मेरी क्या सलाह रहती है कि आप हमारे शनिपीठ मंदिर से इन मंत्र सिद्ध अंगूठियों को मंगवाएं, उनको धारण करें, निश्चित रूप से मनचाही सफलता इस उपाय से भी आपको मिलेगी। क्या करना है, हमारे शनिपीठ मंदिर में हर शनिवार को निशुल्क जनता दरबार लगता है, जिसमें गुरु रजनीश ऋषि जी या मैं स्वामी राज ऋषि आपको ये रिंग्स का सजेशन दे देंगे। इसके बाद आपको ये रिंग्स हमारे शनिपीठ मंदिर से मंगवा लेनी है। 3 दिन का पूजा का प्रोसेस है, नोट कीजिएगा, 3 दिन पूजा करके ये अंगूठियां तैयार होंगी और श्रद्धा भाव से ये अंगूठी जो कोई धारण करेगा 2 महीने के अंदर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट उसके जीवन में उसको दिखाई देगा। फिर उसके बाद जब आप लकी कैलेंडर का पालन करेंगे तो यकीन मानिएगा 95% सक्सेस के चांसेस आपके बन जाएंगे। तो कहां तो 75 की बात कर रहा था, कहां 95 तक ले गया कितनी सरलता से। आशा करता हूं ये मेरे बताए उपाय आपने नोट कर लिए होंगे। शनिपीठ मंदिर में कैसे संपर्क करना है, स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपके लिए एड्रेस हमने पूरा दिया हुआ है। हर शनिवार को आके मुफ्त में आप हमसे मिल सकते हैं, बहुत दूर रहते हैं, ऑनलाइन जनता दरबार के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं, उसका लिंक भी यहाँ पर हमने कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। और जो लोग पर्सनली हमसे चर्चा करना चाहते हैं वो तो स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर संपर्क करके मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सब प्रकार से हम आपकी मदद करने के लिए तत्पर हैं। आप अपनी मदद करने के लिए कितने जिज्ञासु हैं, कितने जागरूक हैं, ये अब आपके ऊपर है। मैंने आपकी अपना काम पूरा कर दिया है, पूरा लकी कैलेंडर आपके सामने रिलीज कर दिया है। अब आपको डिसाइड करना है क्या 2024 में आपका टाइम आएगा या नहीं आएगा। मुझे विश्वास है आपका टाइम आ गया है और मेरी इन बातों को नोट करके तो अब आप इतने सक्षम हो गए हैं कि 2024 में करियर के क्षेत्र में मन वांछित सफलता आप हासिल जरूर करेंगे। इसी के साथ मैं आपको पुनः याद दिलाना चाह रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक तो यहीं पे खत्म हो गया, परंतु ये वीडियो सीरीज तो अभी केवल शुरू हुई है। इस वीडियो सीरीज में आगे मुझे बहुत सारी चर्चा आपके साथ करनी है, मुझे बताना है कि भाई आपको
कब पीआर के लिए अप्लाई करना चाहिए, कब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, कब शादी या रिलेशनशिप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कदम उठाने चाहिए, कब चाइल्ड प्लानिंग करनी चाहिए, कब यात्राएं करनी चाहिए। इलेक्शंस इस साल आने वाले हैं, बहुत से लोग उसमें खड़े होने वाले हैं, तो उसकी लकी तारीखें क्या है। इसके साथ साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आप देने वाले हैं, वो भी आपको बताऊंगा। इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो वो भी बताऊंगा। प्रॉपर्टी, गाड़ी या फिर दोपहिया वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसका भी इंपॉर्टेंट समय मैं इस लकी कैलेंडर के माध्यम से रिलीज करने वाला हूं। इसको ध्यान से देखें, ये आपके भी काम का, आपके पापा के भी काम का, आपकी मम्मी के भी काम का, आपके भाई बहनों के भी काम का, आपके मित्रों के भी काम का है। तो ये जानकारी अपने तक मत रखना, ये जानकारी सभी के साथ, सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स पर फैला दो, फेसबुक पर फैला दो, सबको ये बता दो कि उनका टाइम भी आ गया है। तो आपका टाइम भी आ गया है और सभी लोगों का टाइम आ गया है, बस इस लकी कैलेंडर को फॉलो करना है। इसी के साथ मैं आपसे पुनः दरखास्त करूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि कहीं भाई आपसे लकी कैलेंडर मिस ना हो जाए। वीडियो तो आपने शेयर कर दिया ही होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना है, और पर्सनलाइज्ड आपका लकी कैलेंडर यदि आपको चाहिए मुफ्त में बिना एक भी रुपया दिए, तो अपना कमेंट की जो श्रृंखला है उसको रोकना मत, फटाफट से अपना कमेंट डाल दो। और जिसके भी कमेंट पे सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे, सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे, उस व्यक्ति को जनवरी के अंत में निश्चित रूप से हमारे शनिपीठ मंदिर से ये पर्सनलाइज्ड लकी कैलेंडर फ्री में प्राप्त होगा। इसके साथ साथ पर्सनलाइज्ड एक साल का राशिफल भी प्राप्त होगा और उसके नाम से नवग्रह यज्ञ में आहुतियां भी पड़ेंगी। तो आशा करता हूं आप सभी इस लकी कैलेंडर का पालन जरूर करेंगे। चलिए आज के लिए तो इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं, मुलाकात होगी अगले लकी कैलेंडर के वीडियो में। तब तक के लिए जय शनि।